आजकल ऐसा हो रहा है ना कि जिस भी बड़ी फिल्म से उम्मीद ज्यादा होती है ना, वो उम्मीद पे खरी उतर नहीं रही है। चाहे वो उस फिल्म के गाने को लेकर के हो या उस फिल्म के स्टोरी को लेकर के हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज पुष्पा 2 का गाना रिलीज किया गया है, किसी किसी का, और इस गाने का इंतजार बहुत सारे दर्शक कर रहे थे बेसब्री से, और फाइनली आज गाने को रिलीज किया गया। लेकिन लिरिकल वीडियो रिलीज किया गया, इसमें आपको विजुअल्स बोले तो श्रीलीला और अपने पुष्पा भाऊ के विजुअल्स बहुत कम है, ना के बराबर। बाकी आपको इमेजेस के रूप में इसमें दिखाए गए हैं, और एनिमेटेड भी इमेज को यूज किया गया है, और गाने के लिरिक्स बोला गया है। मैं यार बड़ी शॉक्ड हूं कि आखिर इस गाने को किस भाई साहब के द्वारा लिखा गया है। जहां पुष्पा में आप लोगों ने गाना सुना था, ओ अंतमामा भाई साहब, क्या गाना था यार। अभी भी गाने अगर कानों में पड़ते हैं ना तो मन थिरकने लगता है। उसी से उम्मीद लेकर के ये सोच रहे थे कि गाने जो है पुष्पा 2 के किसिक किसिक ये भी होगा टॉप लेवल का। म्यूजिक अच्छे हैं, फास्ट म्यूजिक है, बाकी लिरिक्स जो है ना बचकाना लिरिक्स बोल लो। मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारे पुष्पा भाऊ के, मैं भी यार फैन हूँ, कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही मेरे बारे में। लेकिन कोई नहीं यार, जो है सो मैं बोलूंगा। अब गाने के जाकर के लिरिक्स सुनो, सिर्फ फोटो फोटो, थप्पड़ थप्पड़, मतलब फोटो इधर से लो, अगर उधर से लिया तो थप्पड़ मार दूंगी। मतलब अपने हिसाब से लेना है, तुम्हारे हिसाब से ले लोगे फोटो, थप्पड़ मार दूंगी। इधर के से नहीं लेना है, इधर से लोगे थप्पड़ मार दूंगी। ये क्या है भाई, मतलब यही गाना बच गया है क्या पूरे फिल्म इंडस्ट्री में? मतलब कुछ भी यार, मेरा मन भी कर रहा है कि कहीं थप्पड़ मैं भी चला दूं यार, लेकिन चलाऊं तो किस पे चलाऊं यार, छोड़ यार, बोल के ही संतुष्ट कर लेता हूं। तो गाने का यही हाल है। गाने को 4 मिनट 10 सेकंड रखा गया है, ज्यादातर इसमें आपको इमेजेस यूज किए गए हैं। 2, 3 या 5 सेकंड के लिए भाऊ, अपने भाऊ और श्रीलैला एक्ट्रेस जो है, इन दोनों का डांस दिखाया गया है। नो डाउट दोनों के द्वारा अच्छे तरीके से डांस किया गया है, फास्ट पेस डांस है, डीएसपी साहब का म्यूजिक है, म्यूजिक अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी गाने में म्यूजिक होने से कुछ होता नहीं है, उसके लिरिक्स उस गाने को बड़ा बनाता है। चाहे जितने भी गाने आज तक आप लोगों ने सुने होंगे, सबके लिरिक्स ही उस गाने को टॉप लेवल पे ले जाता है, और म्यूजिक तो होता ही है। अगर गाने के लिरिक्स अच्छे हैं ना तो म्यूजिक आ ही जाता है, निकल ही जाता है। लेकिन इस गाने से वो उम्मीद टूटती हुई दिख रही है, जो उम्मीद लेकर के लाखों दर्शक इस गाने को YouTube पे जाकर के सर्च पे सर्च मार रहे होंगे कि यार अब तो किसी किसी का आया। लेकिन भैया पुष्पा झुकेगा नहीं साला, लेकिन इस बार इस गाने को लेकर के पुष्पा भाव को झुकना पड़ेगा भाई। तो बस यही है इस वीडियो में, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, और बोलना तो मैं बहुत चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ यार, ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग कहोगे कि ये ज्यादा बोलता है, फिर कमेंट बॉक्स में आपका बोलना शुरू हो जाएगा, इसलिए मेरा बोलना ज्यादा ठीक नहीं है। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।